Hello students, today we will discuss about the types of cell and their differences. Then firstly the types of cell. In our previous video we have discussed about the cell, there's theories. Now type of cell mein agar hum baat kare, the two type of cells are present, that is first one is prokaryotic cell and the second one is your eukaryotic cell. If we talk about prokaryotic cell, then the example is like bacteria. Right, bacteria, PPLO and some others are example. And if you talk about the eukaryotic cell, then we said that plants, animals are eukaryotic cells. ठीक है, अगर हम बात करते हैं bacteria and PPLO, PPLO is a type of pleuropneumonia like organism which do not have any cell wall, right? तो कोई भी cell wall जो है plasma इस PPLO के पास नहीं रहेगा, right? तो अब difference की हम बात करते हैं prokaryotic and eukaryotic cell के अंदर, difference की बात करते हैं. तो आप इन दोनों को लेकर भी चल सकते हैं अगर difference की अगर आप बात करें. बट अगर हम वैसे डिफरेंसेस की बात करें तो द प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूजुअली स्मॉल साइज में होती है, बहुत ही माइन्यूट साइज में आपको मिलेगा, जिनका साइज जो है वेरी करता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर, मींस जो बहुत छोटा साइज होता है, माइक्रोमीटर बहुत ही छोटा साइज हो जाएगा. जबकि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल रहेंगी उनका जो साइज है वो एक्चुअली क्या रहता है आपका, लार्ज रहेगा. किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेयर में लार्ज रहेगा, दैट इज अबाउट 15 to 100 माइक्रोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है एक एनवलप वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक एनवलप ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहेगी. जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर आपकी टू एनवलप ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, मींस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको सिंगल एनवलप स्ट्रक्चर मिलेगी जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको टू एनवलप स्ट्रक्चर मिलेगी. वहीं अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो आपको नहीं मिलेगा, बट न्यूक्लियस के जैसा ही फंक्शन करने वाली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर कहेंगे. ठीक है, ये आपको मिलेगी. जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो आपका प्रेजेंट रहेगा और वेल कवर्ड रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर आपकी प्रेजेंट रहेगी जो कि आपकी टू लेयर्ड रहेगी, इसीलिए हमने इनको क्या कहा, टू लेयर्ड एनवलप. नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, सभी यहाँ पर क्या रहेंगे, आपके एब्सेंट रहेंगे. लेकिन वहीं अगर आप यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि आपके जो हैं सेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्ट्रक्चर सभी के सभी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ अगर प्रोकैरियोटिक सेल की आप बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का कंटेंट आपको कैसा मिलेगा, लो मिलेगा. वहीं जो आपका यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर उसका कंटेंट हाई मिलेगा, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्म में, एक क्रोमोसोम की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. तो यहाँ जो डीएनए का कंटेंट है वो हाई आपको मिलेगा. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अकर करेंगे, मींस वहाँ पर आप देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. इस वजह से चाहे ट्रांसक्रिप्शन मींस आप आरएनए की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एमआरएनए. ठीक है, वहीं अगर आप बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की तो आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन, तो ये दोनों ही जो प्रोसेस होंगे वो आपके किसके अंदर हो रहे हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही होंगे. साइटोप्लाज्म और इन सब का डिफरेंस हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो है आपका कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन जो है वो आपका कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका यहाँ पर रहेगा. फिर अगर नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हम बता ही चुके हैं ट्रांसलेशन के बारे में, तो वो साइटोप्लाज्म में होगा. तो प्रोटीन सिंथेसिस इज़ अ मेथड इन ट्रांसलेशन्स मेथड, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करेगा. वहीं यहाँ पर आपका जो है प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करेगा.
उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आपको प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में ये आपको एब्सेंट मिलेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो राइबोसोम्स दोनों में ही प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस आपको क्या मिलेगा उनके टाइप में, कि राइबोसोम्स आपके टू टाइप के रहेंगे, वन इज़ योर 70S टाइप, सेकेंड इज़ योर 80S टाइप। तो यहाँ आपको सिर्फ 70S टाइप देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको सिर्फ 70S होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 70 एज वेल एज 80S बोथ टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका 70S है वो आपको क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो यहाँ जो आपका DNA होता है वो कैसा रहेगा, नेक्ड DNA रहेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज नेक्ड DNA? तो नेक्ड DNA आपका कौन सा DNA होता है जहाँ पर जो DNA है, एक न्यूक्लियोसोम आपका मॉडल आएगा जो हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ जो DNA है वो रैप करता है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो वो आपका जो DNA बनेगा वो आपका कैसा रहेगा, कंप्लीट DNA रहेगा। लेकिन यहाँ हमने क्या कहा, नेक्ड मीन्स कि यहाँ पर जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ओनली आपका DNA कंटेंट होगा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, नेक्ड DNA कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यहाँ न्यूक्लियर DNA जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंडेड रहेगा। यहाँ आप क्या देखते हैं कि DNA जो है वो आपका यूजुअली कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर DNA जो है आपका कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA यूजुअली सर्कुलर, मतलब जो आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA है वो सर्कुलर रहेगा, जबकि जो आपका न्यूक्लियस के इनसाइड में है वो आपका DNA कैसा रहेगा, यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है यहाँ आपको साइक्लोसिस मूवमेंट शो करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइक्लोसिस मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस नहीं देखने को मिलेगा इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, बट यूकैरियोटिक सेल में आपको ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो है गैमेट्स आर नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है उसके बाद जो मियोसिस होगा, मियोसिस के रिस्पेक्ट में आपकी गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है, जो कि आपकी हैप्लोइड स्ट्रक्चर रहती हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर गैमेट्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड आपके जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि ये जो है आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन जो होता है वो आपका इन्हीं की वजह से होता है। तो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफरेंसेस। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर एंड यू ऑल्सो क्लियर, सो कीप स्टडी, डूइंग स्टडी।